हेलो फ्रेंड्स, आज है लेक्चर नंबर 9 और लेक्चर नंबर 9 में आज हम करेंगे केस स्टडी नंबर 14। तो केस स्टडी नंबर 14 करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप केस स्टडी डाइजेस्ट का प्रिंट आउट लेकर बैठे होंगे और वही टेक्निक का इसमें इस्तेमाल करेंगे जो हमने लास्ट केस स्टडी में किया था, यानी कि आप अपने एंड से एक पैराग्राफ मन में पढ़ेंगे, वही पैराग्राफ क्वेश्चन का मैं अपने एंड से अपने मन में यहां पर पढ़ूंगा और जो की वर्ड्स हैं, जो की लाइंस हैं, उनको मैं अंडरलाइन करूंगा। मैं तो उसे हाईलाइट करूंगा, आप उसे अंडरलाइन कर सकते हैं। तो इससे आपको पता पड़ेगा कि क्वेश्चन चाहे कितना बड़ा क्यों ना हो, हम क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते ही कूड़ा इंफॉर्मेशन और काम की इंफॉर्मेशन को अलग कर सकते हैं। काम की इंफॉर्मेशन से मतलब वो इंफॉर्मेशन जो क्वेश्चन में दी गई है और हमारे काम की है जब आंसर लिखेंगे तो। और कूड़ा इंफॉर्मेशन मतलब, कूड़ा इंफॉर्मेशन का मतलब है कि आंसर लिखते वक्त शायद उसका इस्तेमाल ना हो, यानी कि बेकार की इंफॉर्मेशन, सिचुएशन क्रिएट करने के लिए या फिर बैकग्राउंड क्रिएट करने के लिए बताई गई इंफॉर्मेशन होती है। चलिए केस स्टडी नंबर 14, हमेशा की तरह सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम, रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट पढ़ के हम क्या कोशिश करते हैं, हम कोशिश करते हैं ये बात को जानने की कि आखिर ये क्वेश्चन किस टॉपिक पर से है और किस चैप्टर पर से है। अगर वो टॉपिक और वो चैप्टर आपने किया होगा तो एग्जाम हॉल में केस स्टडी का क्वेश्चन पढ़ने से पहले आपको पता पड़ जाएगा कि आप उसे आसानी से कर लेंगे या दिक्कत आएगी। केस स्टडी के क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को पढ़ने के बाद, केस स्टडी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को पढ़ने के बाद आपको एक डायरेक्शन मिल जाती है कि क्वेश्चन को पढ़ते वक्त मुझे किस डायरेक्शन में सोचना है, ताकि आप वहां से काम की इंफॉर्मेशन को अंडरलाइन करने में सफल हो जाए। तो पढ़ते हैं इसकी रिक्वायरमेंट। एज ए पार्ट ऑफ पॉलिसी इनिशिएटिव, इफ VHDCL इज विलिंग टू इंप्लीमेंट ट्रिपल बॉटम लाइन रिपोर्टिंग इनिशिएटिव। देखो, इन तीन शब्दों से मुझे पता पड़ गया चैप्टर नंबर 8 परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन ट्रिपल बॉटम लाइन अप्रोच, वो अप्रोच जो बोलती है प्रॉफिट के अलावा पीपल और प्लैनेट इन दोनों को भी इंपॉर्टेंस दो। तो ये कंपनी इस ट्रिपल बॉटम लाइन अप्रोच को इंप्लीमेंट करना चाहती है। देन एडवाइज मैनेजमेंट रिगार्डिंग डायमेंशंस ऑफ TBL, इसके डायमेंशंस के बारे में बताना है। इसके तीन डायमेंशंस हैं, पीपल, प्लैनेट, प्रॉफिट। यानी कि सबसे पहले इनके बारे में इलेबोरेट करना है आंसर के अंदर। पीपल मींस क्या, प्लैनेट मींस क्या, प्रॉफिट मींस क्या, व्हाट आर द पर्सपेक्टिव्स कंपोज्ड बाय डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ TBL, उन डायमेंशंस को इलेबोरेट करना है और उसके अंदर क्या क्या चीजें कवर होंगी उनके बारे में एक्सप्लेन करना है। ऑल्सो इन्यूमरेट द चैलेंजेस, अंडरलाइन करो वर्ड चैलेंजेस, एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स एंड इनिशिएटिव्स अंडर ईच डायमेंशन, अंडर ईच डायमेंशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ वी विद्युत डैम एंड विद्युत हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट 1000 मेगावाट। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जब इस क्वेश्चन के तीन डायमेंशन के बारे में हम बात करेंगे आंसर में, तो हर डायमेंशन को लिखते वक्त हम क्या क्या बताएंगे, एक तो उसके परस्पेक्टिव बताएंगे हम, दूसरा चैलेंजेस क्या क्या परेशानियां सामने आ रही हैं या आएंगी, दूसरा तीसरा एक्सपेक्टेड बेनिफिट एंड इनिशिएटिव, यानी जो काम ये कंपनी करना चाहती है उससे क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, होने की उम्मीद है, प्लस कौन कौन से इनिशिएटिव इस कंपनी ने लिए हैं। तो अपने को एक डायरेक्शन मिल गई। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन को। देखिए, ये क्वेश्चन भी लगभग 3 पेज का है। एग्जाम में ये क्वेश्चन आया तो नॉर्मली स्टूडेंट के मन में फीलिंग आती है कि यार इतना लंबा क्वेश्चन है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, लेकिन बिल्कुल मत घबराना। क्वेश्चन कितना ही बड़ा क्यों ना हो, चाहे 500 पेज की केस स्टडी हो, काम की इंफॉर्मेशन कुछ ही होती है, बाकी सब नाम की इंफॉर्मेशन होती है। चलिए पैराग्राफ नंबर 1, इसे पढ़िए मनी मन के अंदर, मैं भी यहां पढ़ता हूं, फिर उसके बाद कीवर्ड्स को हम अंडरलाइन करेंगे। तो विद्युत डैम प्रोजेक्ट, इस कंपनी की शुरुआती इन्वेस्टिगेशन कब स्टार्ट हुई थी, 1962 के अंदर साउथ एशिया कंट्री में, जैसे क्वेश्चन में आगे कंट्री वर्ड से रेफर किया जाएगा। तो इस वाले पैराग्राफ के अंदर प्रॉब्लम्स दे रखी है, इनको क्या क्या दिक्कत आई, इनका प्रोजेक्ट डिले हुआ ड्यू टू इकोनॉमिक इन्वायरमेंटल एंड सोशल इंपैक्ट। तो इस पैराग्राफ के अंदर बताया गया कि बहुत सारी दिक्कतें आई, गवर्नमेंट भी इनस्टेबल थी, और उसके बाद बोला गया कि 1989 के अंदर ये जो कंपनी है VHDCL ये बनाई गई टू मैनेज 1900 मेगावाट
विद्युत हाइड्रो पावर पावर कॉम्प्लेक्स वेर इन 75% स्टेक तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है और 25% स्टेक होम स्टेट गवर्नमेंट का है। कुल मिलाकर एक सरकारी कंपनी खोली गई और ये 1900 मेगावाट विद्युत हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, तो इसके अंदर एक तो आता है विद्युत डैम जिसकी बात ऊपर की थी, इसमें आता है 1000 मेगावाट का विद्युत हाइड्रो पावर प्लांट और इसके अंदर आता है बिजोरी एचईपी 400 मेगावाट और विद्युत पीएसपी 500 मेगावाट। तो जब हमने क्वेश्चन को पढ़ा था तो क्वेश्चन ने किसके कंटेक्स्ट में आंसर देने के लिए बोला था, इसके कंटेक्स्ट में 1000 मेगावाट विद्युत हाइड्रो पावर प्लांट। क्वेश्चन में भी इसे अंडरलाइन कर लीजिए आप। तो कुल मिलाकर यहां से बात समझ में आई कि ये कंपनी है, इस कंपनी को अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में काफी सारी दिक्कतें आई, फिर गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया और एक सरकारी कंपनी बनाई जो चार अलग अलग प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेगी और हमें जो आंसर देना है ट्रिपल बॉटम लाइन का वो विद रेस्पेक्ट टू दिस देना है विद्युत हाइड्रो पावर प्लांट 1000 मेगावाट। अब पढ़िए पैराग्राफ नंबर 2 विद्युत डैम वाला। देखिए इस पैराग्राफ के अंदर विद्युत डैम के बारे में बताया गया कि यहां पर जो विद्युत डैम है वो 855 स्क्वायर फीट का मल्टीपर्पज हाई रॉक के ऊपर है ना, और इसके अंदर बताया गया इसकी लेंथ कितनी है, इसकी क्रिस्ट विद कितनी है, बेस विद कितनी है और डैम कितना क्रिएट करता है 4 क्यूबिक मीटर का पानी रखने का जो होता है ना, इसको क्या कहते हैं हिंदी में, शुद्ध में कहते हैं जलाशय, यानी जहां पर पानी को स्टोर बेसिकली करेंगे इस डैम के अंदर। तो ये टेक्निकल इन्फॉर्मेशन यहां पर दी गई, तो ये इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल देखते हैं आगे कैसे करना है आंसर में। अब पढ़िए पैराग्राफ नंबर 3, यहां पर बहुत सारी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है और बहुत सारे टेक्निकल वर्ड्स हैं। मे बी एग्जाम के अंदर कोई ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ जाए जिसके टेक्निकल वर्ड्स या उसके मेजरमेंट के पैरामीटर्स आपने पहले कभी नहीं पढ़े हो, तो कोई बात नहीं, उनको आप बस समझना है, बिल्कुल डिटेलिंग में जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपके स्टडी के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो पढ़िए इस पैराग्राफ नंबर 3 को। देखिए ये पावर प्रोजेक्ट 2007-08 में कमीशन हुआ था एज ए मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, इसके अंदर राउंड ट्रिप एफिशिएंसी है, वेरिएबल स्पीड फीचर है इसके अंदर। देखिए इसकी जो पावर है उसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी बनाता है बेसिकली उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 10 नॉर्दर्न स्टेट्स के अंदर इंक्लूडिंग होम स्टेट। देखिए यहां पे क्या दे रखा है कि 15% ऑफ जनरेटेड पावर एज फ्री, तो जो होम स्टेट है वहां पर 15% पावर फ्री में डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी और ये कंपनी भी प्रॉफिट मेकिंग है, ऐसा नहीं कि लॉस कमा रही है, कंपनी प्रॉफिट कमा रही है। तो कुल मिलाकर इस वाले पैराग्राफ के अंदर ये बताया गया कि जो ये पावर प्रोजेक्ट है इसकी टेक्निकल चीजें बताई गई, कितना ये पावर बनाता है उसके बारे में बताया गया और इसके अंदर कितना परसेंट ये फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करे इसके बारे में बताया गया, कंपनी प्रॉफिटेबल है इसके बारे में बताया गया। अब बात करते हैं अगले पैराग्राफ की, विद्युत डैम। पढ़िए इस पैराग्राफ को। हाँ देखिए यहां पर मिली अपने को प्रॉब्लम, ये है बेसिकली प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है, इस विद्युत डैम को बनाते वक्त लोगों ने इसे काफी क्या किया, प्रोटेस्ट लोगों ने भी किया और जो इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिनका पर्पस है इन्वायरमेंट को बचाओ उन्होंने इसको खूब प्रोटेस्ट किया। अच्छा प्रोटेस्ट करने के पीछे मेन रीजन क्या था, इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए लोगों को क्या किया गया, डिस्प्लेस, यानी कि ये शहर छोड़कर किसी और शहर में बस जाओ या फिर ये एरिया छोड़कर किसी और एरिया में बस जाओ, तो इससे लोग क्या हो जाते हैं परेशान। भाई जाहिर सी बात है कोई व्यक्ति कहीं पे रह रहा है और अचानक से गवर्नमेंट या कोई कंपनी उसको बोले कि इस एरिया को छोड़कर आप वहां शिफ्ट कर जाओ, तो ये बनेगा रीजन ऑफ प्रोटेस्ट। और दूसरी बात इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंस ऑफ वीक इकोसिस्टम, यानी कि इन्वायरमेंट पर भी इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ने के चांसेस है, इसलिए उन्होंने क्या बोला, वी डोंट वांट डैम, डैम इज द माउंटेन्स एंड वॉज द प्रोमिनेंट स्लोगन। तो कुल मिलाकर यहां पर अपने क्या देखने को मिल गई, प्रॉब्लम, ये है प्रॉब्लम जिसकी वजह से मे बी कंपनी क्या इंप्लीमेंट करना चाहती है, ट्रिपल बॉटम लाइन। देखो इन्वायरमेंट को भी खुश रखना है ना, प्रॉफिट तो कमाना ही है, प्रॉफिट तो कमा रही है कंपनी, पीपल्स को भी खुश रखना है और प्लैनेट को भी खुश रखना है। तो यहां पर दो प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम कहां थी, प्लैनेट एंड पीपल, प्लैनेट बोले तो इन्वायरमेंट और पीपल बोले तो सोसाइटी। अब पढ़िए अगला पैराग्राफ।
देखिए इस पैराग्राफ के अंदर बताई गई है प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को और इलेबोरेट किया है कि रीजन क्या है उनके प्रोटेस्ट करने का। इन्होंने बोला 1.5 लाख पीपल और मे बी इवन मोर इन्हें हमने क्या कर दिया है, रीलोकेट। प्रॉब्लम होगी, कोई भी मास्टर प्लान नहीं था कि कहां पे करना है रीलोकेट, कैसे करना है, कोई क्लियर एस्टिमेट भी नहीं था कि कितने लोग अफेक्टेड होंगे इस प्रोजेक्ट के बनने से। इस डैम के चक्कर में 15,550 फैमिलीज को रिप्लेस किया, बताओ इतने लोगों को रिप्लेस किया इन्होंने, इतनी फैमिलीज को। और इस एस्टिमेट के अंदर वो लोग तो है ही नहीं जिन्होंने अपनी लैंड खो दी, जिनकी जमीन खो गई, या तो गवर्नमेंट ने ले ली जबर से या कंपनी ने जबर से ले ली। देखो इन्हें कुछ मिला भी नहीं है बेचारों को, और इनको अगर लैंड मिली भी है तो पुअर क्वालिटी की, मान लो उनकी लैंड उपजाऊ थी, इनको मिल गई बंजर वाली लैंड, तो क्या करें इस लैंड का। तो ये क्या है, रीजन प्रोटेस्ट करने का। तो पहले वाले में बताई गई प्रॉब्लम, यहां पे प्रॉब्लम को इलेबोरेट कर दिया गया। और अब पढ़िए अगले वाला पैराग्राफ, देखिए इस वाले पैराग्राफ के अंदर प्रॉब्लम को बताया गया, हुआ क्या कि डैम बनने से इनके पास में एक रिवर थी, उसका फ्लो कम हो गया, पहले 1000 क्यूबिक पर सेकंड था, सॉरी 28 क्यूबिक पर सेकंड था, और अभी 6.3 क्यूबिक पर सेकंड हो गया। और ये नदी को आसपास के लोग क्या मानते हैं, पवित्र। तो ऐसी नदी का वाटर फ्लो कम होने से ये क्या कर रहे हैं, उसको प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ये एक धार्मिक, समझ लीजिए धार्मिक रीजन है प्रोटेस्ट करने के पीछे, कि जो नदी जिसको ये लोग पवित्र माना करते थे, ये टाउन इसे पवित्र माना करता था, उस टाउन के अंदर उस नदी में वाटर फ्लो क्या हो गया, कम हो गया। अगला वाला पैराग्राफ पढ़िए, इस पैराग्राफ के अंदर बताए गए इनिशिएटिव जो लिए गए। इन्होंने नया टाउन बनाया, वो नया टाउन सेमी अल्ट्रा मॉडर्न है, वो नया टाउन हिल स्टेशन पर है। अच्छा जी, उसके बाद बताया गया कि वहां पर बेटर हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए हॉस्पिटल खोले गए हैं, 80 बेड मॉडर्न हॉस्पिटल अगेंस्ट 25 बेड हॉस्पिटल इन ओल्ड सिटी, और वहां पर 5 प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स भी हैं और एडिशनल 75 बेड फैसिलिटी है इन टोटल आउट ऑफ 80। यहाँ पर एजुकेशन फैसिलिटीज बढ़ाई गई, हॉस्टल फैसिलिटी 900 स्टूडेंट की बढ़ाई गई, डिग्री कॉलेज विद यूनिवर्सिटी कैंपस जिसके अंदर 440 रेसिडेंशियल स्टूडेंट पढ़ सकते हैं, फैकल्टीज रह सकते हैं, एक इंटर कॉलेज बनाया गया। अच्छा, एक इंटर कॉलेज ओल्ड में था एज अगेंस्ट, और वहां पे 500, तो क्या हुआ, एजुकेशन में भी इंप्रूवमेंट आया है, हेल्थ में भी इंप्रूवमेंट आया है, और ये सारे का सारा खर्चा इन्होंने अपनी पॉकेट से दिया है, दिस ऑल डन एट प्रोजेक्ट कॉस्ट। तो कुल मिलाकर यहाँ पे क्या बताए गए, वो इनिशिएटिव्स या कह लीजिए वो एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स जो मिलेंगे। अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं, देखिए अगले पैराग्राफ के अंदर एक बात बताई गई जो थोड़ी सी रिस्की है। जब इन्होंने डैम को बनाया है तो ध्यान रखा है 8.4 स्केल के अर्थक्वेक का, लेकिन साइंटिस्ट का ऐसा बोलना है कि यहां पर 8.5 से ज्यादा, 8.5 या 8.5 से ज्यादा स्केल का अर्थक्वेक आ सकता है, जिसकी वजह से यहां क्या मच सकती है, तबाही। तो इस वाले पैराग्राफ के अंदर ये दिखाई गई फिर से प्रॉब्लम। आगे वाले पैराग्राफ में पढ़ते हैं, देखिए कंपनी ने यहां पे क्या लिए है, सीएसआर इनिशिएटिव, और वो क्या क्या है नीचे बताया गया है। तो इन्होंने क्या क्या काम करने की कोशिश की है, क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं, शिक्षा के ऊपर बात की है यानी कि एजुकेशन को बढ़ाने पर, स्वास्थ्य हेल्थ की बात चल रही है, निपुण मतलब स्किल डेवलपमेंट, उन्नति इन रूरल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, योगी यानी एम्पावरमेंट इनिशिएटिव, एंड सृष्टि यानी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन इनिशिएटिव। तो कुल मिलाकर ये 6 इनिशिएटिव लेने की यहां पर बात की गई है। अब बढ़ते हैं आगे अगले वाले पैराग्राफ के अंदर, आउट ऑफ दीज वाला पढ़िए इसको। देखिए सृष्टि वाले इनिशिएटिव के अंदर ये 3 ऑब्जेक्टिव इनके मेन है। सबसे पहला तो क्या है, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, यानी कि पानी और मिट्टी दोनों को अच्छे से रखो, प्रिजर्व कर दो सेफ्टी से। अगला है ग्रीन एनर्जी जनरेशन, और तीसरा है दूसरा था ग्रीन एनर्जी जनरेशन एंड
टेक्नोलॉजी प्रमोशन और तीसरा है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन। तो ये तीन ऑब्जेक्टिव हैं सृष्टि वाले इनिशिएटिव के अंदर। अब पढ़ते हैं अगले वाले पैराग्राफ को। यहां पे बेसिकली क्या बताया गया है कि वाटर हार्वेस्टिंग टैंक लगाए गए हैं जिनकी कैपेसिटी कितनी है 3000 लीटर ईच। तो एक तो इनको ये इंस्टॉल कर दिया है, दूसरा इससे क्या होगा दे आर एबल टू स्टोर ऑलमोस्ट 9 लाख लीटर ऑफ रेन वाटर ड्यूरिंग मॉनसून। जब बारिश आएगी तो इनको ये फायदा होगा कि 9 लाख लीटर ये पानी को स्टोर कर सकेंगे। उसके बाद इन्होंने क्या करा है 730 सोलर स्ट्रीट लाइट्स लगाई है, मोर देन 180 सोलर हाई मास्ट लाइट्स लगाई है नियर बाई टाउन विलेज के अंदर, और 270,202 प्लांट्स को प्लांट किया, इतने पौधे पेड़ लगाए। तो यहां पर ही बात चलेगी कि बेनिफिट्स क्या क्या होने वाले हैं, पता लग रहा है बेनिफिट क्या क्या होने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, इनको बहुत सारे अवार्ड मिले हैं। अवार्ड का नाम ये रहा पहला अवार्ड, ये रहा दूसरा अवार्ड, ये रहा तीसरा अवार्ड। इसका मतलब क्या है गवर्नमेंट ने इनके सीएसआर जो इनिशिएटिव्स है उनको रिकॉग्नाइज किया है। उसके बाद इनको अवार्ड के साथ साथ कुछ सर्टिफिकेशन मिले हैं गवर्नमेंट की तरफ से, क्या क्या क्वालिटी मैनेजमेंट का, एनवायरमेंट मैनेजमेंट का और ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का सर्टिफिकेशन मिला। मतलब इन पैरामीटर्स के ऊपर कंपनी अच्छे से ध्यान रखती है और इसी बेस पर कंपनी को ये सर्टिफिकेशन दिए गए। तो यहां पर क्वेश्चन अपना हो गया जी पूरे का पूरा कंप्लीट। अब बात करेंगे सॉल्यूशन की। तो देखिए सॉल्यूशन में करना क्या है, सॉल्यूशन में सिंपल ये करना है, सबसे पहले ट्रिपल बॉटम लाइन के बारे में बता देना जो कि थ्योरी वाला पार्ट है कि ट्रिपल बॉटम लाइन के अंदर तीन एस्पेक्ट आते हैं पीपल प्लैनेट प्रॉफिट, इनको थोड़ा सा इलेबोरेट कर देना है। उसके बाद तीन डायमेंशन है पीपल प्लैनेट प्रॉफिट, हर डायमेंशन के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम थी क्या क्या चैलेंजेस थे वो लिख देने हैं। उसके बाद कौन कौन से एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स होने के चांसेस है वो लिख देने हैं और कौन कौन से इनिशिएटिव लिए गए हैं वो लिख देने हैं। प्रॉब्लम्स एक्सपेक्टेड बेनिफिट और इनिशिएटिव ये सारे के सारे कहां दिए गए हैं क्वेश्चन में ही दिए गए हैं, मतलब वहां से इन्फॉर्मेशन को टीकना है और यहाँ पे चेपना है, इन्फॉर्मेशन को वहां से निकालना है और यहाँ पर चेपना है, बस तीन में कैटेगराइज कर देना है पीपल प्लैनेट प्रॉफिट। तो सबसे पहले पैराग्राफ के अंदर आईसीए ने भी ये किया, पहले उन्होंने बता दिया ट्रिपल बॉटम लाइन मतलब तीन एस्पेक्ट पीपल प्लैनेट प्रॉफिट और ये पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है। प्रॉफिट क्या होता है आपका बॉटम लाइन, बॉटम लाइन मतलब प्रॉफिट, टॉप लाइन मतलब सेल्स, समझ गए। तो पहले इन्होंने इसके बारे में बता दिया। उसके बाद करते हैं डायमेंशन की वन बाई वन। तो सबसे पहले बात की गई पीपल वाले डायमेंशन की। तो पीपल वाले में क्या होता है कि जो सोसाइटी है वो जो सोसाइटी है जो पीपल इन्वॉल्व है उन सबको आपकी कंपनी के से कोई नुकसान ना हो उनको आपको प्रोटेक्ट करना है। ह्यूमन राइट्स होते हैं इन सब की ध्यान रखना है, हेल्थ सेफ्टी का ध्यान रखना है, मोटिवेट रहे इंप्लॉइज, कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो, इंसेंटिव मिले, इन सबका ध्यान रखना है। अब देखिए इस वाले पैराग्राफ के अंदर आईसीए ने क्या किया, जो प्रॉब्लम्स हम क्वेश्चन में पढ़ के आए थे उनको यहां पर लिख दिया है वही सारी बातें कि भाई डिस्प्लेसमेंट कर दिया टाउन में रहने वाले लोगों का और वाटर फ्लो कम हो गया वो भी इनको दिक्कत हुई तो ये प्रॉब्लम बता दी। उसके बाद डैम ने करीबन इतनी फैमिलीज को रिप्लेस कर दिया 15,550। उसके बाद कुछ को तो लैंड नहीं मिली, जिनको मिली तो पुअर क्वालिटी की थी और कुछ लोगों को मल्टीपल क्लेम बोलकर दिया नहीं कुछ भी, तो कुल मिलाकर कोई भी मास्टर प्लान नहीं था। तो देख रहे हैं आप क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर पेस्ट कर दिया गया है और आपके आंसर बन गया है। तो ये था प्रॉब्लम। अच्छा इस नीचे वाले पैराग्राफ के अंदर बताए गए हैं बेनिफिट्स जो जो हो सकते हैं, यहाँ पे लिख देता हूं मैं बेनिफिट्स, जैसा कि पूछा गया था रिक्वायरमेंट के अंदर कि बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं। तो ये बेनिफिट्स भी कहां से आएंगे, क्वेश्चन को पढ़कर ही तो आएंगे ये बेनिफिट्स। तो पढ़िए पैराग्राफ नंबर वन, देखिए क्या बोला, नया टाउन कहां पे लगाया हिल स्टेशन पर, इससे क्या फायदा होगा इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आएंगी क्योंकि जब टूरिज्म वहां पे बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक वहां पे क्या होने वाली है इनकम। दूसरी बात रोड नेटवर्क की बात की गई थी, जब रोड बनेगी तो लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव होगा, कम्युनिकेशन इंप्रूव होगा, ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा तो इनकम इंप्रूव होगी। उसके बाद यहां पर था कि इन्होंने रिडक्शन कर दिया है तो शिफ्टिंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर टू एन सिटी रिजल्ट इन रिडक्शन ऑफ डिस्टेंस ऑफ ट्रेवल बाई टाउन रेसिडेंट टू रीच टू डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर फॉर एनी टास्क बाई अबाउट 65 किलोमीटर। तो कुल मिलाकर बात क्या है कि यहां पर टाउन जो डिस्टेंस था उसे कम कर दिया है, तो काम फटाफट से होंगे। तो ये था आपका एक्सपेक्टेड बेनिफिट नंबर वन, ये था आपका एक्सपेक्टेड बेनिफिट नंबर दो और ये था बेनिफिट नंबर थ्री। आगे बढ़ते हैं बेनिफिट नंबर चार और बेनिफिट नंबर पांच। पढ़िए बेनिफिट नंबर चार। बेनिफिट नंबर चार में बात की गई इंप्रूव्ड हेल्थ फैसिलिटीज की।
बताया गया 25 बेड पहले हुआ करते थे, अभी कितने हो गए 80 बेड हो गए। पांच क्या है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर 75 बेड का है एडिशनल, तो इंप्रूवमेंट आ गया, बेनिफिट आ गया। उसके बाद इंप्रूव्ड एजुकेशन फैसिलिटी, 900 स्टूडेंट की हॉस्टल फैसिलिटी बना दी, कॉलेजेस बना दिए। तो वही सारी बातें यहां पर हमने क्या कर दी, कॉपी पेस्ट मार दी। और नीचे क्या बताया गया कि उन्होंने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं, वही सारे के सारे, शिक्षा, स्वास्थ्य, निपुण, उन्नति, योगी, तो वही सारी बातें यहां पर लिख दी गई। किस हेड के अंदर, आपके पीपल वाले हेड के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं प्लैनेट की। तो जो ये सेकंड डायमेंशन है टीबीएल का, ये क्या बोलता है कि प्लैनेट को सेव करना है, जिम्मेदारी किसकी है, सोसाइटी की भी और कंपनी की भी। आज की रेट में कोई कंपनी अगर प्लैनेट का ध्यान नहीं रख रही तो हो सकता है कस्टमर उसे बायकॉट कर दे। अगर कोई आज के टाइम पर एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाता है अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए और ये बात सोशल मीडिया पर वायरल हो जाए तो पॉसिबिलिटी है कि कंपनी की सेल कितनी हो जाएगी, 0/0। यानी कि सोसाइटी, जो सोसाइटी है वो एनवायरनमेंट को लेकर क्या हो गई है, एग्रेसिवली केयरिंग हो गई है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। तो ये एक रीजन है कि प्लैनेट के ऊपर कंपनी को ध्यान रखना पड़ता है। हालांकि कंपनी इसमें ध्यान रखते हुए इंश्योर करती है कि हमें बेनिफिट हो। जैसे मान लीजिए कोई मटेरियल है उसको रिसाइकिल कर रहे हैं, तो कंपनी ध्यान देती है कि मटेरियल रिसाइकिल कर एक बेनिफिट तो ये हो गया एनवायरनमेंट को बचा लिया, दूसरा बेनिफिट कंपनी को भी तो होना चाहिए कि उसकी कॉस्ट ऑफ मटेरियल कम हो गई। कंपनी कोई भी काम करे वो अपना बेनिफिट जरूर देखेगी, ये एक ह्यूमन नेचर है। और कंपनी भी अपने आप में क्या होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी। तो जैसे हम कोई भी काम करते हैं तो हम अपना बेनिफिट देखते हैं। जैसे मान लो कोई बहुत ज्यादा धर्म करता है, खाना खिलाता है लोगों को, गरीब को एजुकेशन प्रोवाइड करने में हेल्प करता है, तो उसके पीछे क्या पर्पज है, वो अच्छे कर्म करके अपने पुण्य की लिस्ट बढ़ाना चाहता है। इस तरीके से कंपनी में क्या होता है, अगर सीएसआर एक्टिविटी करनी है, एनवायरनमेंट को सेफ रखना है, मानते हैं जिम्मेदारी है, लेकिन कंपनी क्या चाहेगी कि वो काम करते करते हमारा भी कुछ बेनिफिट हो, हमारे एम्प्लॉयज को भी कुछ मोटिवेशन मिले। जब कॉस्ट ऑफ मटेरियल कम होगी तो कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा होगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा तो कंपनी एम्प्लॉय को क्या दे सकती है, इंसेंटिव। तो ये बात करेंगे यहाँ पर प्लैनेट की। तो इसके अंदर भी जो पैराग्राफ है आपका, इसके अंदर वही सारी बातें की गई कि भाई एक तो डर है कि कभी अर्थक्वेक ना आ जाए, डैम लीक ना कर जाए। रीजन क्या है उसका, स्केल, और यहाँ पे स्केल की बात कर दी गई, तो इससे इन्वायरमेंट को दिक्कत हो सकती है। अच्छा, इन्वायरमेंट को बचाने के लिए उन्होंने क्या क्या काम करे, क्या क्या इनिशिएटिव लिए, क्या क्या एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो देखो, इनिशिएटिव क्या लिया, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इसके बारे में बताया गया था कि लगभग 900,000 लीटर रेन वाटर क्या हो जाए, कलेक्ट हो जाए। दूसरा बताया गया था ग्रीन एनर्जी जनरेशन एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन, उसके बाद इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन। तो कुल मिलाकर वही सारे इनिशिएटिव जो सृष्टि के अंदर अपने को बताए गए थे यहां पर क्या कर दिए गए, लिख दिए गए। अब इसके बाद बात करते हैं थर्ड वाले डायमेंशन की, जो कि है प्रॉफिट। देखो, प्रॉफिट तो कंपनी को होना ही चाहिए, क्योंकि अधिकतर कंपनी को बनाने के पीछे जो रीजन होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट, कि कंपनी प्रॉफिट कमा के दे किसको, सबको, एम्प्लॉयज को सैलरी के रूप में दे, गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में दे, इन्वेस्टर को प्रॉफिट के रूप में दे, तो सबको कुछ ना कुछ दे, सप्लायर को काम दे। तो प्रॉफिट वाले एस्पेक्ट के अंदर पहले प्रॉफिट की बात करनी है। इस पैराग्राफ के अंदर बात की गई है डिले ड्यू टू इकोनॉमिक इंपैक्ट अपार्ट फ्रॉम सोशल एंड एनवायरमेंटल प्रेशर, यानी कुछ फंडिंग की कमी से भी प्रोजेक्ट बीच में अटक गया था, हालांकि ये कंपनी क्या है, प्रॉफिट मेकिंग है। फिर नीचे बोला गया एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स के बारे में, तो ये वही सारे बेनिफिट्स हैं जो अभी हम पढ़ के आए हैं, जैसे जनरेशन ऑफ 1000 मेगावाट ऑफ एनवायरमेंटल फ्रेंडली पीकिंग पावर, उसके बाद 15% पावर मिलेगी फ्री में कंसर्न होम स्टेट को। उसके बाद क्या बोला गया, इरिगेशन ऑफ 2.771 लाख हेक्टेयर्स ऑफ एरिया। तो ये सारे क्या है, बेनिफिट्स हैं जिनके बारे में क्वेश्चन के अंदर बताया गया था, तो उन्हीं बेनिफिट्स को यहां पर क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। तो इस आंसर को पढ़ के आपने क्या समझ में आया कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को पढ़ने के बाद हमें ये बात समझ में आती है कि क्वेश्चन को पढ़ते वक्त हमें अच्छी अच्छी लाइंस को अंडरलाइन करना है और साथ ही में हाथों हाथ उन लाइंस को एक हेडिंग दे डालनी कि ये प्रॉब्लम थी, ये इनिशिएटिव था, ये एक्सपेक्टेड बेनिफिट है, ये प्रॉब्लम है, ये इनिशिएटिव है, ये एक्सपेक्टेड बेनिफिट है। इससे बेनिफिट क्या होगा, आपको एग्जाम में आंसर लिखते वक्त वही लाइंस उठाकर आपको आंसर में चेप देनी है बस। तो उम्मीद करता हूं ये केस स्टडी नंबर 14 आपको समझ में आया होगा। और इसी के साथ एक बहुत अच्छी न्यूज कि केस स्टडी डाइजेस्ट के अंदर जो भी केस स्टडीज आईसीआई ने डाली थी, 14 की 14 केस स्टडीज, ऑल दी 14 केस स्टडीज हम यहां पर सॉल्व कर चुके हैं। तो ये वीडियोस को आप एक बार देखिए, दो बार देखिए, तीन बार देखिए, जितनी बार आपका मन करता है उतनी बार देखिए। बार बार देखने से आपको एक सोचने का नजरिया मिलेगा कि एग्जाम के अंदर केस स्टडी के क्वेश्चन को सोचते कैसे हैं। और
आपको पहली बार नॉर्मल स्पीड पे देखना चाहिए, अगली बार जब रिवाइज करें तो यूट्यूब में स्पीड को बढ़ाने का ऑप्शन होता है, तो स्पीड को बढ़ा के एक बार गो थ्रू कर लें। तो उम्मीद करता हूं आपको ये केस स्टडीज के लेक्चर अच्छे लगे होंगे। ये वीडियोस अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियोस के नीचे कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने उन दोस्तों के संग शेयर करिए जो केस स्टडी डाइजेस्ट की केस स्टडी से डरे हुए हैं। थैंक यू।